हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है कि सुहागन ये भगवान कृष्ण का लीला अपरंपार है। तो इसलिए सावन के महीने में हरियाली तीज मनाई जा रही है और अनेक श्रद्धालु हरे हरे कपड़े हरे हरे चूड़िया पहन के पिंगा झूला बांधे है। झूला पाके हरे भगवान कृष्ण का आनंद उत्सव मनाते हैं। भगवान कृष्ण जी इतना झूला झूलते हैं सावन महीने में, उसी तरह माता है हमारी हरियाली तीज मनाई गई है। हमारा पिंगा भी पाया हुआ है प्राचीन शिवालय मंदिर में। अनेक माता है, आज माताओं का भीड़ बहुत है, आप देखिएगा। तो सभी शहरवासियों निवासी को धन्यवाद करता हूँ। आप सब आनंद में रहे, मंगल में रहे, भगवान शंकर जी बाकी बिहारी ठाकुर जी कृपा करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम राम। आज तीज का त्यौहार मनाया गया, क्या क्या कहना चाहोगे? आज तीज का त्यौहार मनाया गया क्योंकि हमारे बांके बिहारी और राधा प्यारी
सावन के महीने में तीज के दिन सखियों के साथ मिलके सावन के झूले का आनंद उठाते हैं। सब सखियां भी हरियाली में बड़ी खुश होती हैं। सबके मन में उमंग तरंग होती है। चारों तरफ हरियाली देख के सबके मन हरे भरे खिले रहते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े डालते हैं। सब मन भावन होता है और सबके मन को सुकून मिलता है। और इस सावन के महीने में ठाकुर जी और हमारी राधा प्यारी जी झूला झूलते हैं, आनंद लेते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। हाँ जी, जो सनातन धर्म परंपरा है वो पुरातन परंपरा है। जो नई जनरेशन आ रही है उनको नहीं पता चलता, इसलिए मिलजुल के मनाया जाता है कि नई जनरेशन से लोग दिए और देखे कैसे बड़े लोग क्या करते हैं। जैसे आज के समय में जो नई महिलाएं हैं वो इस तीज त्योहार को कम मना रही हैं, क्या मैसेज दोगे? नहीं, मनाती तो बहुत अच्छी तरह है, पर ये बात है कि मंदिर में नहीं मनाने आती हैं, बस अपना एंजॉय करने के लिए जाती हैं। जैसे होटलों में रेस्टोरेंट में चली जाती हैं जहाँ, और कई पार्किंग में चली जाती हैं, ये बात होती है। और हम तो सबको जागरूक करते हैं कि मंदिर में आओ, जो मंदिर में भगवान का आशीर्वाद मिलता है उसी से त्यौहार मनाने का फायदा है।